नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावका नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक है, पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ, जिनमें इंजरी होता है और दांत का कुछ पार्ट टूट जाता है। मोस्टली ये मैं अडल्ट पेशेंट के लिए बना रही हूँ जिनका एज ग्रुप 19 ईयर्स के अबो है। तो ऐसे केसेस में उन्होंने क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो ऐसे टाइप का जब भी इंजरी होता है तो थ्री पार्ट्स में होता है। वो थ्री पार्ट्स में कैसे होता है वो बताने से पहले मैं दांत का बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ। हर दांत को उसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है, उसको पल्प बोलते हैं, जो दांत के बिल्कुल अंदर होता है। उसके बाद जो बाहर वाला लेयर होता है उस पल्प को कवर करने वाला, उसको डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन को सेंसेशन होते हैं। उसके ऊपर इनामल का लेयर होता है जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है। इनामल को सेंसेशन इतने होते नहीं है, तो अगर आपका फ्रैक्चर खाली इनामल में होता है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डीप नहीं है। ऐसे केस में आपको सेंसिटिविटी होने के चांसेस भी बहुत रेयर है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। नॉर्मल वाइट कलर का फीलिंग करके ये हम आराम से सील कर सकते हैं। दूसरा, लैमिनेट वीनियर जैसे माइल्ड प्रोसीजर करके भी वो दांत आपका अच्छे से रेस्टोर हो सकता है। अभी हम सब लॉकडाउन के सिचुएशन में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर इनामल का लेयर ही आपका फ्रैक्चर हुआ है, प्लीज़ घर के बाहर मत निकलो, पैनिक मत हो, ये बहुत नॉर्मल सा फ्रैक्चर है और वो रेस्टोर हो सकता है। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर वो फ्रैक्चर काफ़ी डीप है, जैसे डेंटिन का कुछ लेयर कट जाता है, तो आपको एनालाइज कैसे करोगे? एक तो देखते वक्त थोड़ा येलोइश पार्ट दांत का एक्सपोज हो जाता है जो डेंटिन का होता है। सेकेंड थिंग ये होती है कि जैसे भी आप सांस अंदर लेते हो तो आपको सेंसेशन फील होते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये पता चलना चाहिए कि डेंटिन में फ्रैक्चर हुआ है। कभी कभी ऐसे केस में पेन किलर्स लेने की ज़रूरत भी होती है, तो आपको कुछ दिनों तक पेन किलर्स लेने हैं और आपके डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करना है कि ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर आपको अपॉइंटमेंट भी लेना है। लास्ट जो फ्रैक्चर होता है वो काफ़ी सीवियर वाला होता है, जिसमें दांत का क्राउन ही टूट जाता है। ऐसे केस में होने वाला पेन काफ़ी सीवियर होता है, आपको हेवी पेन किलर्स लेने की ज़रूरत होती है फॉर मोर देन 5 डेज, 5 दिन से ज़्यादा भी आपको लेने पड़ सकते हैं। तो आपको वो पेन किलर्स लेने हैं खाना खाने के बाद। अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है तो आपको एंटासिड भी लेने हैं पेन किलर्स लेने के पहले, और उस केस में आपको आपके डेंटिस्ट को इन्फॉर्म करना है। सेकेंड और लास्ट वाला जो फ्रैक्चर मैंने बोला, डेंटिन वाला और क्राउन का टूटने का, वो दोनों केस में रूट कनाल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद क्राउन देके वो दांत रिस्टोर हो सकता है। तो आपको मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई हो कि एनालाइज करने को एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी कि प्लीज़ घर के बाहर मत निकलो। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।